हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है आक्रामकता की रोकथाम, मींस टुडे विल स्टडी प्रिवेंशन ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर। शुरुआत करते हैं हम भारतीय साहित्य से। भारतीय पारंपरिक साहित्य के अनुसार एक कर्म का नियम होता है। उस कर्म के नियम में कहा गया है कि जैसा व्यक्ति कर्म करता है, जो आउटकम्स होते हैं, जो परिणाम होते हैं, उसी के अनुसार आते हैं। ठीक इसी प्रकार आक्रामक व्यवहार आक्रामक प्रतिक्रिया ही उत्पन्न करता है। गीता में बताया गया है कि इंद्रियों की संतुष्टि की प्रक्रिया इच्छाओं को और अधिक बढ़ा देती है। बिल्कुल सही है, हमें बहुत कोई चीज़ सुंदर दिखाई देती है। किसी भी व्यक्ति को सुंदर फूल हो सकता है, सुंदर कपड़े हो सकते हैं, सुंदर घर हो सकता है, बहुत गाड़ी हो सकती है, कोई सुंदर लोन हो सकता है। तो हम एक बार उसको जी भर के देखते हैं, वहाँ से चल देते हैं और हमारे अंदर बार बार इच्छा होती है उसको देखने की। ये जो बार बार इच्छा होती है, ये एक समय पर व्यक्ति के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, कुंठा, क्रोध की भावना को जन्म देती है और जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में आक्रामकता उत्पन्न होती है। ये बात भी गीता में बताई गई है। ये क्या है आक्रामक व्यवहार? क्या है ये? एक ऐसा व्यवहार होता है जो प्रतिक्रियाओं के माध्यम से प्रदर्शित होने वाली एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। ये एक प्रॉब्लम है, एक इश्यू है। और आक्रामकता की खास बात मैं बता देता हूं। यहां पर साहित्य में क्या बताया गया है कि आक्रामकता न केवल जो व्यक्ति आक्रामक है उसको नुकसान पहुंचा रही है, और जो टारगेट है, जो लक्ष्य है जिसकी तरफ आक्रामकता प्रदर्शित की गई है, उन दोनों के साथ साथ आक्रामकता पूरे समाज के लिए एक नकारात्मक प्रभाव डालती है। यानी ये इट इज अ वेरी डिटरमिनेंटल फॉर सोसाइटी ऑल्सो, समाज के लिए भी एक हानिकारक प्रभाव डाल रही है। यानी कि एक इसका एक रिपल इफेक्ट होता है। रिपल का मतलब है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति तक। जिस प्रकार तालाब में अगर पत्थर डालते हैं तो किस प्रकार से वो एक लहरें बनती हैं छोटी छोटी, और वो लहरें किस तरफ फैल जाती हैं, आक्रामकता का भी यही व्यवहार होता है। तो डियर फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। गीता के अध्याय 6 के 17वें श्लोक में ये कहा गया है कि सही समय पर उचित आहार, सही व्यवहार दोनों तरह का, मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक भी, और न तो अत्यधिक नींद और न अत्यधिक जागना, चौथा योग, और पांचवा कर्तव्य का समय पर निर्वहन, अपनी जिम्मेदारी का जिम्मेदारी से पालन और समय पर पालन। ये सारी चीजें अगर व्यक्ति करता है तो इसका परिणाम जो है आक्रामकता को कम करने में सहायक होता है। यानी आक्रामकता अपने आप कम हो जाती है। इसके साथ साथ दूसरे मनोवैज्ञानिक विकार भी, जैसे कुंठा है, स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी, डिप्रेशन है, ये सारे विकार भी ऐसा करने से अपने आप कम हो जाते हैं। ये 5000 वर्ष पूर्व गीता में कहा गया है। चलिए हम आगे शुरुआत आगे करते हैं, पढ़ते हैं कि आक्रामकता के रोकथाम के कौन कौन से साधन हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, इसमें कुछ यौगिक पोस्टर्स हमने दिखाए हैं, कुछ हमने आक्रामकता के जो साधन हम आगे डिस्कस करेंगे उनके नाम दिए गए हैं। चलिए लेट अस सी, अंडरस्टैंड एंड रीड वंस अगेन वन बाय वन। यानी कि पहला साधन क्या है, पहले इंटरवेंशन क्या है? जैविक अंतक्षेप। अंतक्षेप का मतलब यहां पर होता है इंटरवेंशन। व्यक्ति के अंदर बहुत सारे ऐसे तो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो सारे काफी रसायन होते हैं। हम यहां पर दो की बात करेंगे। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो व्यक्ति के अंदर भूख, उसकी भावनाओं और संज्ञानात्मक कार्यों को महत्वपूर्ण रूप तरह से नियंत्रित करता है, उनमें एक भूमिका निभाता है। जबकि टेस्टोस्टेरोन, जिसको मेल हार्मोन भी कहा जाता है, एक हार्मोन होता है जो कामोत्तेजना, सेक्सुअल डिजायर्स, संज्ञानात्मक कार्य और भाषा क्षमता को नियंत्रित करता है। तो ये जो दो केमिकल है मुख्य रूप से अग्रेशन में एक भूमिका निभाते हैं, आक्रामक व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आक्रामक व्यवहार में अगर कमी करनी है तो सेरोटोनिन लेवल को, जो सेरोटोनिन का जो लेवल है उसको हमें बढ़ाना होगा और टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करना होगा। अर्थात अब इसको समझिए, सेरोटोनिन के स्तर में अगर वृद्धि है तो, और टेस्टोस्टेरोन के स्तर में अगर कमी होती है तो आक्रामक व्यवहार अपने आप कम हो जाता है। ये भी पाया गया है जो व्यक्ति आक्रामकता दिखाते हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो ज्यादा पाया जाता है। तो ये था आपका बायोलॉजिकल इंटरवेंशन, यानी कि जैविक अंतक्षेप।
नेक्स्ट कैथारसिस। फ्रायड ने इस तकनीक का सुझाव दिया था। कैथारसिस क्या है? आप देखेंगे कि हम अपनी भावनाओं के अंदर, जो हमारे मन के अंदर अनकॉन्शियस कुछ भावनाएं, कुछ इच्छाएं दमित होती हैं, रिप्रेस्ड होती हैं, उनको निकाल नहीं सकते हम। अगर हमारे अंदर ऐसी भावनाएं हैं तो अगर हम निकालेंगे तो समाज में हंगामा हो जाएगा। हम कई बार ऐसी हमारे अंदर भावनाएं आती है किसी दूसरे को देखकर, खास करके अपोजिट जेंडर को देखकर, कि उन भावनाओं को अगर हम बाहर प्रदर्शित कर दें तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे ऊपर संकट आ सकता है। लेकिन फिर ऐसी भावनाएं, जन्म तो हो गया उनका, व्यक्ति के अंदर है, वो उनको रिप्रेस कर लेता है, व्यक्ति दबा के रख लेता है, और ये दबी हुई भावनाएं व्यक्ति के अंदर नेगेटिव ऊर्जा का संचार करती हैं। इनको निकालने का जो एक तरीका है, फ्रायड ने सुझाव दिया था कि उसको कैथारसिस कहते हैं। यानी कि बैठकर इन भावनाओं को निकाले, अपने आप से बोलते रहे, और यह तकनीक जो है कुंठा और आक्रामकता के स्तर को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैथारसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्रेशन परिवर्तन का एक साधन होता है। नेक्स्ट देखिए दंड। ये बड़ा आसान सा है, बहुत सीधा है, इसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा जरूरत नहीं है कि दंड जो है आपराधिक न्याय प्रणाली में एक प्रचलित एक साधन है, जो न्याय प्रणाली में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है, जो आक्रामक व्यवहार के खिलाफ एक प्रभावी निवारक माना गया है, और मनोविज्ञान में इसे प्रतिशोध सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। जहां दंड के डर से व्यवहार नियंत्रित होता है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस व्यक्ति ने आक्रामक व्यवहार किया, कोई क्राइम किया है, कोई कानून को तोड़ा है, उसको दंड दिया जाता है। उसको दंड देने से ऐसा नहीं है कि अगर किसी के प्रति उसने आक्रामक व्यवहार किया, किसी का मर्डर किया है, तो वापिस आ जाएगा, लेकिन नहीं, उसका मतलब यह है कि जो समाज के दूसरे लोगों के लिए एक डिटरेंट का वो काम करता है कि आप भी अगर ऐसा व्यवहार करोगे तो आपको भी ऐसे दंड को भोगना पड़ेगा। यह है डर। इसके व्यवहार से, इस डर के माध्यम से लोगों का व्यवहार नियंत्रित किया जाता है। इसको प्रतिशोध सिद्धांत, रिट्रीब्यूशन थ्योरी कहते हैं। और दंड पाने वाले जो लोग होते हैं दूसरों के लिए, समाज के लोगों के लिए एक उदाहरण का काम करते हैं, उदाहरण बनते हैं। तो दंड भी एक एग्रेशन प्रिवेंशन का साधन है। ठीक, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना, यानी जो नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर विकसित होती हैं उनसे दूर रहना भी एक इंपॉर्टेंट है। जैसे नकारात्मक कौन कौन सी भावनाएं होती हैं? कुंठा है, भय है, क्रोध, दर्द और ईर्ष्या। ये नकारात्मक विचार व्यक्ति में उत्पन्न करते हैं, जो अक्सर आक्रामक व्यवहार का कारण बनते हैं। इसलिए आक्रामकता को उत्पन्न होने से रोकने के लिए व्यक्ति को इन नकारात्मक भावनाओं से, विचारों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, और तभी आक्रामकता को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक अंतक्षेप, यानी कि कॉग्निटिव इंटरवेंशन। ये क्या होती है? बहुत आसान सी बात है, ये व्यवहार की एक ऐसी तकनीक होती है जो किसी व्यक्ति की विचार प्रक्रिया को और भावनाओं को संशोधित करने में सक्षम होती है, जिसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आपकी विचारधारा को मॉडिफाई हम कर दें, वो संज्ञानात्मक अंतक्षेप होता है, उसे हम यही बात कहा भी जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, स्वयं से बात करना। व्यक्ति जितना अपने आप स्वयं से बात करता है उतना ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। स्वयं के तरीके से समस्याओं का हल खोजना, यानी प्रॉब्लम का सोल्व करना। फिर आप देखेंगे आक्रामक व्यवहार से होने वाले परिणामों को जानना। अगर आप कोई आक्रामक व्यवहार कर रहे हैं, मान लिया जाए आपको गुस्सा आ जाता है किसी तरह से, और आपकी बाइक या स्कूटी या कार स्टार्ट नहीं हो रही है, आप गुस्से में उस पर लात मारना या हाथ गुस्सा मारना चाहते हैं, तो कोई आपको बता दे कि भैया इससे गाड़ी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके हाथ को चोट लग सकती है। अर्थात आपको उन परिणामों के बारे में अगर कोई जानकारी मिल जाती है तो आक्रामक व्यवहार अपने आप कम हो जाता है। जटिल कार्यों में शामिल होना। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई व्यक्ति आक्रामक व्यवहार करता है तो उसको आप किसी कॉम्प्लेक्स वर्क में उलझा दो, ऑटोमेटिक आक्रामकता कम हो जाएगी। जरूरत पड़ने पर माफी मांगना, बिल्कुल अपोलॉजी सीकिंग भी एक बहुत बड़ा साधन है आक्रामक व्यवहार को कम करने का। ये सारे के सारे उदाहरण है आपके संज्ञानात्मक अंतक्षेप व्यवहार के, तो इनके माध्यम से भी आक्रामकता को कम किया जा सकता है। अगला है सामाजिक कौशलों का प्रशिक्षण। जो सामाजिक कौशल क्या होते हैं, यानी कि सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास पैदा करते हैं और आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं। अभी होते क्या है देखिए, संचार कौशल, बात करने का तरीका, किस व्यक्ति से किस समय पर कैसी बात करनी है। आप पार्टी में हैं, आप रोड पर हैं, आप क्लासरूम में हैं, घर में हैं, परिवार में हैं, कहीं पर भी हैं, कि किस तरह से आपको बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है, ये एक संचार कौशल है। तदनुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझना, ये भी एक तदनुभूति है। उनको फील करना कि उसको कैसा फील हो रहा है। सौहार्द स्थापन,
कितना अच्छा उसके साथ रैपोर्ट बनाना और पारस्परिक संबंध, ये सारे क्या है, कुछ अंत क्रियात्मक सामाजिक कौशल होते हैं। आप देखेंगे सामाजिक कौशल मौखिक भी हो सकते हैं, गैर मौखिक, मौखिक जो बोल के, गैर मौखिक होते हैं जो बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, ये भी अंदर व्यक्ति के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ, कोई एग्जाम लेक्चर दे रहा है तो आप उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं, और अगर कोई अच्छी बात कर रहा है तो आप नोट कर रहे हैं, ऐसे गर्दन हिला रहे हैं कि भाई हाँ मुझे पसंद है, बहुत सही है कही आपने ये, तो ये एक बॉडी लैंग्वेज है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होती है, और दोनों ही आक्रामक व्यवहार को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मौखिक और गैर मौखिक, यानी एक सहायक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कुंठा पैदा करने वाली घटनाओं से दूर रहना, यानी फ्रस्ट्रेट करने वाली यह परिस्थिति किसी व्यक्ति को उनके विकल्पों के अनुसार भावनात्मक व्यवहार करने की अनुमति देकर हासिल की जा सकती है, कि अगर जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करना चाहता है उस स्थिति में उनकी भावनाओं के हिसाब से उसका व्यवहार करने दो, जब वो काम करना चाह रहा उसको करने दो, ऑटोमेटिक रूप से कुंठा कम हो जाएगी। कुंठा अगर कम होती है तो फ्रस्ट्रेशन कम होता है तो आक्रामकता भी कम होती चली जाती है, यानी कि दमित ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए अनुकूल परिस्थितियां आक्रामकता के रोकथाम के लिए एक अद्भुत स्ट्रेटेजी या रणनीति होती है। अब आगे देखिए नेक्स्ट, सोशल मीडिया और टीवी पर आक्रामक सामग्री को देखना बंद करना, बिल्कुल सही बात है ये। एनरोन एटोल ने 1972 में एक अनुसंधान किया था, एक रिसर्च की थी, उनमें उन्होंने बताया था कि 9 वर्ष की उम्र में जो बच्चे अत्यधिक टीवी पर हिंसात्मक कार्यक्रम देखते हैं, जब 10 साल बाद, जब 19 साल के जब हो जाते हैं, तो उनके अंदर रिलेटिवली आक्रामकता का स्तर उच्च पाया गया है, यानी ये कितना बढ़ा देता है हमारे आक्रामकता को। प्रोफेसर बंडूरा ने भी इस प्रयोग बोबोडोल एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आक्रामकता को, अग्रेशन को दिखा चुके हैं वो, तो यानी कि अगर सोशल मीडिया पर, आजकल इंटरनेट पर, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर और टीवी पर अगर इस सामग्री को देखना कम किया जा सकता है तो आक्रामकता को रोका जा सकता है। आगे देखते हैं योग, बहुत ही एक अच्छा साधन है। योग को ऋषि पतंजलि द्वारा लगभग 400 BC में एक प्राचीन स्वास्थ्य विज्ञान के रूप में प्रस्तावित किया गया था, अष्टांग योग था, और इस योग को मन शरीर की दवा के रूप में जाना जाता है, यानी माइंड बॉडी मेडिसिन कहा जाता है इसको, ठीक। योग व्यक्ति को मन पर पूर्ण नियंत्रण का मार्ग प्रशस्त करता है, यानी योग का जो सेंट्रल थीम यही है कि व्यक्ति के जो माइंड पर पूर्ण रूप से कंट्रोल। योग का नियमित अभ्यास मनोशारीरिक स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक रूप से सुधार करता है। अगर एग्रेसिव बिहेवियर को कम करना है तो योग का अभ्यास रेगुलर करना होगा। इसमें 5 यम बताए गए हैं, अहिंसा नॉन वायलेंस हो गया, सत्य सच्चाई, अस्ते यानी चोरी नहीं करना, किसी दूसरे की चीज को लेना नहीं, ब्रह्मचर्य यानी सेक्सुअल कंट्रोल, यौन आत्मसंयम, अपरिग्रह यानी किसी चीज को लेकर, किसी आइडिया को लेकर, वस्तु के लेकर अत्यधिक पोजेसिव नहीं होना, अपरिग्रह होता है, गैर जुनूनी स्वामित्व के माध्यम से आत्मनियंत्रण सिखाता है। अगर कंट्रोल हो गया, हमारी इंद्रियों पर कंट्रोल हो गया तो सही बात है ये कि ऑटोमेटिकली आक्रामकता कम हो जाएगी, और इसके साथ साथ ही अन्य विकारों को रोकथाम करने में जबरदस्त कारगर साबित होता है योग, और ये प्रूव भी है। इंटरनेशनल योग दिवस इसीलिए 21 जून को मनाया जाता है। तो योग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आक्रामकता को कंट्रोल करने का साधन है। अगला हम देखते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। खेल और समाजोपयोगी गतिविधियों के माध्यम से आक्रामकता की जो ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में दिशा निर्देशन करके आक्रामकता के स्तर को सार्थक रूप से कम किया जा सकता है। अगर व्यक्ति आक्रामक है वो खेल में लगा दीजिए, कहीं और उसको सोशल प्रोडक्टिव काम में लगा दिए, तो ये आपकी जो आक्रामक एनर्जी है उसका विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, और अच्छे इसके परिणाम आते हैं। नेक्स्ट देखिए, परस्पर विरोधी प्रतिक्रियाएं, ये क्या होती है, जो लोग अच्छा महसूस करते हैं वो आक्रामक नहीं होते, उल्टा कह लो आप, जो आक्रामक होते हैं उनका आप अच्छा महसूस करा दो, ऑटोमेटिकली आक्रामकता कम हो जाएगी। यह तकनीक उस संभावित विरोध को कम करने की कोशिश करती है, यानी परस्पर विरोधी प्रतिक्रिया का जो तकनीक है उन संभावित विरोध को कम करने की कोशिश करती है, जिसमें व्यक्तियों को उन घटनाओं या उद्दीपकों के प्रति अवरावृत किया जाता है जो उनके क्रोध और आक्रामकता की परस्पर विरोधी प्रभावित स्थितियों के अनुभव का कारण बनता है। बारे ने बात कही है, वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आक्रामक है तो जिस कारण से उधर आक्रामकता हुई है
उस कारण के जो विरोधी चीजें हैं उसके बिल्कुल अपोजिट चीजें हैं उसका व्यक्ति को अनावृत करा दीजिए, अनुभव करा दीजिए, ऑटोमेटिकली आक्रामकता कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए देखिए, कोई व्यक्ति बहुत ही आक्रामक है, अग्रेसिव है, उसको क्या करो आप, कोई चुटकुला सुना दो या ऐसी बात करो कि उसके जो जीवन के सुनहरे पल थे जब उसको एक बहुत खुशी मिली थी उसको याद दिला दो आप, बिल्कुल देखना आप आक्रामकता कम हो जाएगी। यानी परस्पर विरोधी प्रतिक्रियाओं से भी आक्रामकता कम होती है, ये बैरन ने 2004 में बात बताई है। आगे देखें, शराब का न के बराबर सेवन। देखिए, शराब एक महत्वपूर्ण वस्तु है जो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं और ये दवाई के रूप में बहुत बढ़िया काम करती है, लेकिन जब इसका ओवर कंजप्शन होता है तो ये इसका बुरे असर शुरू होते हैं। यद्यपि शराब जो है एक डिप्रेसेंट होता है, यानी मानव क्रियाओं को अवनत करने की उसकी प्रकृति होती है, उसको रोकने की, डिप्रेस करने की प्रवृत्ति होती है, नेचर होता है शराब का, लेकिन कुछ समय के लिए अगर इसका ज्यादा उपयोग हो जाए तो व्यक्ति के अंदर आक्रामकता को वृद्धि कर देती है। अब आप देखिए, शराब सबसे पहले दो चीजों पर असर डालती है, न्यूरॉन्स पर और एंडोक्राइन सिस्टम पर, सबसे गहरा असर पड़ता है इसका। यह व्यक्ति में एक ऐसी भावना पैदा करती है जिससे उसे लगने लगता है कि उसकी शारीरिक क्षमता बढ़ गई है, उसके अंदर एबिलिटी बढ़ गई उसकी, जिसके कारण से वह आक्रामक व्यवहार करने लगता है। जब व्यक्ति को लगता है कि मैं जो है मेरे अंदर एबिलिटी बढ़ गई है तो ऑब्वियस है कि वो आक्रामक व्यवहार करने लगता है। अब आप देखिए इसका असर कहाँ होता है, मस्तिष्क का जो दायां गोलार्ध है यानी राइट हेमिस्फीयर है शराब के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होता है, जो संज्ञानात्मक अवधारणात्मक कार्यप्रणाली के नुकसान का कारण बनता है। हमारी जितनी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग होती है पूरे ब्रेन में होती है, लेकिन अगर राइट ब्रेन में सब ज्यादा असर इसका होता है शराब का, तो ये ऑस्कर बर्मन और मैरिनकोविच ने 2007 में बताया कि शराब सबसे ज्यादा हमारे राइट हेमिस्फीयर को इफेक्ट करती है और हमारी कॉग्निटिव या इमोशनल प्रक्रियाएं, भावनात्मक प्रक्रियाएं हैं, सब ज्यादा बुरा असर उन पर पड़ता है। जब उन पर पड़ता है तो हम भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रहता और आक्रामकता होती है। तो शराब के इस्तेमाल को कम करने से आक्रामक व्यवहार में सार्थक रूप से कमी लाई जा सकती है। और अंत में देखिए, खेलों के माध्यम से हम डिस्कस कर चुके हैं आक्रामकता की घटना को रोकने के लिए खेल बहुत ही अच्छे विकल्प होते हैं। मैं कहता हूं बहुत अच्छे नहीं, सबसे अच्छे विकल्प होते हैं। अगर जो व्यक्ति आक्रामक है या समाज में जो बच्चे आक्रामक व्यवहार करते हैं या नहीं भी करते हैं, जो उनको अगर खेलों में लगा दिया जाए तो ऑटोमेटिकली आक्रामकता अपने आप ही कम हो जाएगी, आएगी नहीं। तो नियमित शारीरिक व्यायाम और मनोरंजक खेल आक्रामक ऊर्जा के चैनलीकरण के, चैनलाइजेशन के अद्भुत माध्यम होते हैं। दोस्तों, आज का हमारा विषय था एग्रेशन यानी आक्रामकता परिवर्तन के साधन। ये सारे मैंने जो लिटरेचर है, ये मेरे रेफरेंसेज यहाँ से मैंने लिया है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। आगे देखिए, हमारा जो अगला व्याख्यान होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो होगा मानव विकास की अवधारणा। और दोस्तों, इस वीडियो से संबंधित कोई डाउट, कोई शक, कोई सवाल और कोई क्रिटिकल कमेंट है तो आप मुझे verma.sujit@yahoo.com पर भेज सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द ही फिर मिलेंगे।